नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूँ संतोष कुमार पार्थ। बता दें कि हिलसा में भी मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है जहरीली शराब के खिलाफ में, और इस समय हमारे साथ है दिनेश कुमार यादव जी। बताइए। देखिए, सरकार शराबबंदी के नाम पर बड़ी बड़ी बातें जनता के सामने रख रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि शराबबंदी के नाम पर मात्र गरीबों को शोषण और दोहन किया जा रहा है। हमारे जितने भी गरीब परिवार हैं, मांझी जाति से खास करके आते हैं, पासवान जाति से खास करके आते हैं, जो गरीब कस्बे और मोहल्ले में रहते हैं, उनको शराब बेचने के नाम पर, शराब माफिया के नाम पर उनके जेल के सिकंजों में उनको बंद किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जितने भी शराब माफिया हैं, जो शराब का होम डिलीवरी कर रहे हैं, जहरीली शराब बेच रहे हैं, ये DM आवास के नीचे, SP आवास के नीचे, जो कि घटना नालंदा की, बिहार शरीफ की घटी, वैसे लोगों पर सरकार एकदम मतलब फिसड्डी साबित हो रही है। किसी भी तरह से ये मतलब शराबबंदी कानून को लागू करने में सफल नहीं हो रहा है, और जिसका नतीजा यह है कि आज शराब माफियाओं की चांदी कट रही है और हमारे गरीब गुरबों को यातना देकर उसको जेल में बंद करके, उनके जेल के सलाखों के में बंद करके रखा जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि जहरीली शराब से नालंदा में खास करके 13 लोगों की जाने गई और 2 लोग को आँख की रोशनी गंवानी पड़ी। नतीजा यह था कि ये लोग शराब पिए और शराब की नशे में इनके परिवार वालों ने अस्पताल में इनको भर्ती कराया, लेकिन इलाज के लिए वहाँ पर कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं था। फेमिजोकॉल एक दवाई आती है जो जहर काटने की होती है। हमारे अरवल के विधायक महानंद जी वहाँ पर मिलने गए और वहाँ के अधिकारियों से पूछा, वहाँ के स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर से पूछा कि क्या इनका आप समुचित इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों ने जवाब दिया कि सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, और सरकार की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था के वजह से इतने लोगों की जाने गई। यदि वो फेमिजोकॉल दवाई रहती तो बहुत सारे लोगों को जान बचाया जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में हम और हमारे भाकपा माले लगातार इस गरीबों को, जो ये शराब माफिया के नाम पर जेल के सिकंजों में बंद किया जा रहा है, इस पर विचार करने की मांग कर रहे हैं और शराब माफियाओं को जेल के सिकंजे में बंद करें। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रशासन में वही नतीजा है। जिस प्रदेश का, जिस जिला का SP और कलेक्टर यदि सच्चा होगा, ईमानदार होगा, कर्मनिष्ठ होगा, वहाँ पर शराब बिकेगा। उस शराब के नाम पर थानेदार को सस्पेंड किया जा रहा है, चौकीदार को सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन जो मोटी रकम पाने वाले जो माफिया से है, उनको ये लोग सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। हम लोग शराब में, शराब से पीने वाले लोगों को जो मौतें हुई है, 20-20 लाख रुपए उनके परिवार के आश्रितों को मुआवजा की मांग करते हैं, और एक एक परिवार को के सदस्य को उनको नौकरी दिलाने की मांग करते हैं। और यदि सरकार यह बात नहीं मानी तो उनके खिलाफ मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाएगी। भाकपा माले इसके लिए तैयार है। कहां से कहां तक निकाली गई है ये, मतलब क्या बोलता है, पुतला दहन का कार्यक्रम भाकपा माले के प्रखंड कार्यालय से निकल करके हम लोग मतलब तेलिया दुर्गा स्थान होते हुए बरिंतर जोगीपुर मोड़ के पास पहुंच करके ये मुख्यमंत्री नीतीश का पुतला दहन हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग ये पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं।